हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मॉर्निंग सेशन में। फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ अतुल सिंह, और आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से डे फोर में डिस्कस करेंगे फाइव वर्ड्स और सीखेंगे कुछ नया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन द मॉर्निंग में। देखिए, एन ओल्डर वुमेन हु इज नॉट मैरिड, यानी कि एक ऐसी महिला, एन एल्डर वुमेन, एक ऐसी महिला हु इज नॉट मैरिड, जिसकी शादी ना हुई हो, एक ऐसी महिला जिसकी शादी ना हुई हो या जिसने शादी ना ही की हो, वो उसकी मर्जी है भाई, लेकिन हमको ये जानना है कि उसको कहेंगे क्या। ठीक है, तो ऐसे ऐसी महिला को हम लोग कहेंगे स्पिंस्टर। स्पिंस्टर कहेंगे, स्पिंस्टर कहेंगे, स्पिंस्टर मीन्स होता है अविवाहिता, 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 अविवाहिता जिसकी मतलब शादी ना हुई हो, अविवाहिता होता है। क्लियर? जिसकी शादी ना हुई हो अविवाहिता कहते हैं। ठीक है, और विडो मीन्स आप लोग जानते हैं, विडो मीन्स क्या होता है? विडो मीन्स होता है विधवा। क्या होता है? विधवा। और एक और होता है भी मैड। मैड मीन्स होता है कुंवारी लड़की, मतलब कुंवारी नारी, कुंवारी स्त्री जिसकी शादी ना हुई हो, ये है वर्ड। ठीक है, स्पिंस्टर हमारा मेन वर्ड है। स्पिंस्टर मीन्स होता है अविवाहिता, एन ओल्डर वुमेन हु इज नॉट मैरिड, जिसकी शादी ना हुई हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। ए पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो न्याय कानून व्यवस्था से भागा हो, न्याय कानून से भागा हो, उसे कहते हैं फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव मीन्स होता है, फ्यूजिटिव मीन्स होता है भगोड़ा, फ्यूजिटिव मीन्स होता है भगोड़ा, क्या होता है? भगोड़ा, यानी कि जो कानून से भागा हुआ हो, भगोड़ा हम लोग कहते हैं, नहीं भगोड़ा, तो उसको कहते हैं फ्यूजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए। ए मैन हु इज क्वाइट, ए मैन हु इज क्वाइट लाइक ए वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो जो औरतों के जैसा व्यवहार करता हो, मतलब औरतों के जैसा होते नहीं व्यक्ति, आपने देखा होगा, तो उसे कहते हैं हम लोग इफेमिनेट। इफेमिनेट मीन्स होता है फ्रेंड्स जनाना, जनाना, या कहेंगे जो स्त्री के जैसा व्यवहार करता हो, जो स्त्री के जैसा व्यवहार करते हो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? इफेमिनेट कहेंगे। इफेमिनेट मीन्स होता है जनाना फ्रेंड्स। ए मैन हु इज क्वाइट लाइक ए वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए। ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर हम लोग क्लोथ्स रखते हैं, क्लॉथ्स रखते हैं, अपने कपड़े रखते हैं, क्लॉथ्स रखते हैं, ऐसा स्थान, तो उसे कहते हैं वार्ड्रोब, वार्ड्रोब, वार्डोब, वार्ड्रोब कहेंगे, यानी कि कपड़े रखने का स्थान वार्ड्रोब कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड में कह रहे हैं ए पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेम तो करता है लेकिन किसी कोई कारणवश से नहीं, कोई कारणवश से नहीं, वो शादी का मतलब कोई कारण मतलब नहीं कि शादी करेगा, मतलब इस टाइप से, तो जैसे कि उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है उस प्रेम के पीछे, यानी कि वो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ प्रेम करेगा, वहां प्रेम करेगा, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को कहते हैं फिलेंडरर। फिलेंडरर मीन्स होता है, फिलेंडरर मीन्स होता है इश्कबाज, इश्कबाज, क्या होता है फ्रेंड्स? इश्कबाज या दिल लगी करने वाले, दिल लगी करने वाले फिलेंडरर होते हैं। फिलेंडरर मतलब आपने देखा होगा ये लड़के घूमते रहते हैं, उन लोगों की बात है। इश्कबाज आदमी कहते बड़े इश्कबाज हो, मतलब दिल दिल लगी, दिल लगाने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मतलब जो वर्ड हैं इन लोगों के वो आप लोग जानते हैं, तो उन लोगों को कहने फिलेंडरर कहेंगे। क्या कहेंगे? फिलेंडरर कहेंगे। तो ध्यान रखिए, क्लियर है गाइज आप लोगों को? थैंक यू गाइज आप लोगों को बहुत बहुत। और इस मॉर्निंग सेशन के लेक्चर को आप मॉर्निंग इन द मॉर्निंग में व्हाट्सएप फेसबुक के सभी लोगों को आप इसको जरूर शेयर करिए, और लेक्चर को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग कुछ हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए, थैंक यू गाइज।